नोएडा की थाना फेज 3 पुलिस ने एक कंपनी के मालिक से रंगदारी मांगने के मामले में दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस ने बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए जाल बिछाकर FNG रोड पर उन्हें रंगदारी की रकम देने के लिए बुलाया था, जिसके बाद पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस इस मामले में आरोपियों से पूछताछ कर रही है और उनका आपराधिक इतिहास खंगालने में जुटी हुई है। मामले में ADCP ने बताया है कि आरोपियों के पास से 4 नोटों की गड्डियां भी बरामद की गई हैं, जिसे पुलिस ने रंगदारी देने के लिए तैयार की थी। इसके अलावा पुलिस ने आरोपियों के पास से एक तमंचा, एक मोबाइल और बाइक बरामद की है। पुलिस इस मामले में आरोपियों से पूछताछ कर रही है और उनका आपराधिक इतिहास खंगालने में जुटी हुई है। थाना फेज 3 में एक मैटर सामने आया था, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा कंप्लेंट की गई थी कि उससे 80 लाख रुपये की फिरौती मांगी जा रही है और फिरौती ना देने पर उसको और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही है व्हाट्सएप कॉल के द्वारा। पुलिस ने इसमें श्री की एक टीम गठित की और एक ट्रैप डाला गया, जिसके अंदर 500 रुपये की नकली गड्डियों को तैयार किया गया और ऊपर उसमें 500 रुपये के असली दो नोट आगे पीछे लगाए गए। जब वादी द्वारा ये बैग डिलीवर किया गया, पुलिस ने पूरा बैकअप देते हुए अपनी टीम को वहाँ लगाकर दो व्यक्ति को अरेस्ट किया है